एक रूम में मैं यहाँ पे घुसा हूँ तो सारा चटाई का बनाया हुआ है। इस टाइप से देख सकते हैं, ये स्टेज होने वाला है और ये तैयार हो रहा है और माइक चेक वगैरह कर रहे हैं। आज मैं हूँ यहाँ पे जेलमोड़ चौक में, यानी कि शहीद निर्मल महतो चौक में, और यहाँ पे आज जो है निर्मल महतो का शहादत डे यहाँ पे मनाया गया है। शहीद निर्मल महतो दिवस आज मनाया गया है। तो कल की क्या क्या तैयारी है वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं पार्क के अंदर और सारा कुछ जो है आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस कल और परसों मनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आखिर तैयारी यहाँ पे हो रहा है। बाहर की तैयारी आप देख सकते हैं किस तरह से है, और ये है हमारा यहाँ पे गेट, बिरसा मुंडा म्यूज़ियम है यहाँ पे, और इसी में जो है हमारा सारा कुछ होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सारा कुछ आपको हम जो है जानकारी देते हैं। टेंट वगैरह सारा कुछ बन रहा है और अंदर का आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दिख रहा है। ये आदिवासी महोत्सव यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं। तो लाइटिंग वगैरह यहाँ का हर साल जो होता है बहुत ही कमाल का होता है। आप अंदर का देख सकते हैं नज़ारा किस टाइप से। अब फिलहाल जो है ये बंद है, तो अभी यहाँ पे लोग नहीं आने वाले हैं कोई, लेकिन कल से जो है आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का जो है नज़ारा आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र इधर होने वाला है, तो इसका ये यहाँ पे टेंट बन चुका है और लोग देखिए यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं सजावट के लिए, लाइट्स वगैरह जो है ये लगा रहे हैं, जो रात में बहुत ही कमाल का दिखेगा। बाकी शौचालय वगैरह भी यहाँ पे है, तो ये सब आप देख सकते हैं। देख सकते हैं इधर भी पेड़ पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले। आज मतलब इस बार यानी कि कल और भी कमाल का दिखेगा, इधर लाइट वगैरह लग जाएगा तो और भी कमाल का होगा। बाकी अंदर ये यहाँ पे मेन हमारे ख्याल से ये होने वाला है, बहुत सारा चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ये देख लो भाई, तैयारी चल रहा है बहुत ही अच्छा वाला, और यहाँ पे शायद कुछ कुछ जो योजनाएं हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और बाकी मैंने आपको बताया कि लाइट्स वगैरह LED वगैरह देख सकते हो, बहुत तैयारी जो है वो कमाल का है। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मिस करते हो ना तो भाई साहब बहुत ही पछताने वाले हो। इतना मस्त यहाँ का सुंदरता, लुक वगैरह सारा कुछ मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, इन्हेंस कर दिया जाता है कि मतलब कहोगे भाई जन्नत में आ गए हैं। ठीक है, पिछले बार मैं आया था, उससे पिछले बार मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इस बार भाई छोड़ना नहीं है, आ जाना। इसलिए मैं वीडियो पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है आ जाएं समय पे और यहाँ पे जो है नज़ारा इसका आनंद उठा सकें। बहुत ही कमाल का यहाँ पर नज़ारा होने वाला है। अभी घास वास भी देखो, इधर घास वगैरह कट रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी शो वगैरह होता है, लाइटिंग वगैरह लगता है, ऊपर में बलून वगैरह रहता है, तो यहाँ पे भी बहुत ही कमाल का होगा। और बाकी बात करें उधर, तो ड्रोन शो वगैरह जो है उस साइड होता है, तो उधर भी आपको हम सारा कुछ दिखाते हैं। जहाँ भी पॉसिबल हो पाएगा सब कुछ जो है आपको हम डिटेल में बताएंगे। देखो मतलब कितना कमाल का इधर हरियाली दिख रहा है, पानी वानी सब कुछ भर दिया गया है, तो ऐसे दिनों में नहीं रहता है, बहुत चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा देखने को। जैसे यहाँ पे पानी नहीं है, इधर भी भरा जाएगा, तो सारा कुछ यहाँ पे जो है और बहुत कमाल का होता है। रात भर यहाँ पे चलता है लगभग 8-9-10 बजे तक, क्योंकि मैं था पिछले बार रात में, बहुत ही मस्त लगा था। इस बार भाई आप लोग मिस मत करना। ये देख सकते हैं हमारा जो मेन गेट है, ये यहाँ पे किस तरह से है। मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और सबको संबोधित भी करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ होने वाला है किस रास्ते में। तो आगे साइड आपको सारा कुछ देखने वाला है, दर्शनी हॉल वगैरह है, सब कुछ है। देखिए एकदम कचरा वचरा सब कुछ साफ़ किया जा रहा है, बाकी सारा चीज़ तैयारी वगैरह जो है एकदम बहुत ही स्पीड से चल रहा है, क्योंकि समय अब नहीं है। और मेरे ख्याल से लगता है तैयारी वगैरह भी हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ ये यहाँ पे बन चुका है। बाकी और भी स्टेज वगैरह बन रहे हैं। जो रात का नज़ारा होता है पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो जो है भाई साहब बहुत ही कमाल का है। आप देख सकते हैं फूल वगैरह, आप देखिए कितना कमाल का है, लाइट्स भी इसमें लग गए हैं, बहुत ही शानदार दिखता है। अगर आप ये नहीं देखे तो समझ लिए भाई क्या देखे आप। इस दिन बहुत ही मज़ा आता है नाइट में, और शो वगैरह होता है, ड्रोन शो होता है, वाटर शो होता है, बहुत सारा शो वगैरह होता है। देख लो यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह भी आ चुके हैं, इसमें भी कुछ कुछ सजाने वगैरह का होगा, और बहुत ही कमाल का लगता है, मतलब बहुत ही कमाल का। इस साइड देखोगे तो यहाँ पे स्टेचू टाइप से पत्थर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये घास फूल लग रहा है देखने में, और भी उधर कुछ कुछ लगा हुआ है। तो इस साइड जो है आपका यहाँ पे ड्रोन शो वगैरह होता है, जो खजूर का पेड़ आपको दिख रहा है उसके बाएं साइड में। यहाँ का आप सुंदरता देख सकते हो कितना कमाल का है। यहाँ पे देख सकते हो जो हंस वगैरह है, स्टैचू है वैसे,
तो यहाँ पे बहुत ही कमाल कर दिखता है। और वो जो गेट आपका वहाँ पे जो बंद दिख रहा है, वहीं पे आपका वाटर शो वगैरह होता है, फाउंटेन शो वगैरह होता है, लाइटिंग वगैरह बहुत ही कमाल का लगता है। और बाकी ड्रोन शो वगैरह भी जो यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई देगा, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में ड्रोन होते हैं, 200, 400, 500 इस टाइप से रहता है ड्रोन, और बहुत ही कमाल का यहाँ पे नज़ारा होता है। बाकी आप खूबसूरती तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कुछ झलकियाँ वगैरह ये सब दिखाई जाएंगी, उसका यहाँ पे ऐड वगैरह है। अभी आप यहाँ देखोगे तो आपको चारों तरफ कचड़ा कचड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप आओगे ना भाई तो यहाँ पे मतलब सुंदरता जो है काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे सरकारी योजनाओं का कुछ स्टॉल वगैरह लगेगा, और भी कुछ कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें मेन स्टॉल का जो लोग पसंद करते हैं, तो जो आदिवासी व्यंजन है वो यहाँ पे आपको लगने वाला, यानी कि खाने पीने का चीज़ जो है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि खुखड़ी वगैरह होता है, छिलका वगैरह होता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी कुछ कुछ नया चीज़ भी यहाँ पे खुल गया है, कैफ़े वगैरह आप देख सकते हैं। अभी तैयारी देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये देख सकते हैं। और बाकी स्टॉल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये स्टॉल आप भी ले सकते हैं, और कुछ आदिवासी व्यंजन आप दिखाना चाहते हैं तो वो जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे बहुत ही महंगा महंगा चीज़ भी यहाँ पे खुल चुका है सारा कुछ, तो उसका भी आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। साफ़ सफाई चल रहा है, यहाँ का सीन बहुत ही कमाल का होगा, लोग ड्रेसेस वगैरह पहन के आएंगे तो वो बहुत ही कमाल का होगा, देखो सारा कुछ। तो यहाँ पे जो है खाने पीने को आदिवासी क्या खाते पीते हैं या झारखंड के लोग क्या खाते पीते हैं, वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि भाई खाने में टेस्ट भी लगता है, क्योंकि हम तो खाते ही आ रहे हैं, तो इसको मिस मत करना, आकर के यहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। हालांकि थोड़ा प्राइस वगैरह महंगा रहता है, लेकिन भाई क्या करोगे, जो नहीं खाए हैं वो तो खाएंगे ही, है ना। तो चलिए इस तरफ देखते हैं, बाकी भैया लोग देख सकते हो ऊपर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप ये देख लो सब तैयारी चल रहा है। ये वाला जो है सीन आपका इतना कमाल का हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो पार्क यहाँ पे इतना कमाल का लगता है ना भाई, मतलब पूछो ही मत, मज़ा ही आ जाता है। ये देख सकते हो मुख्यमंत्री लोग या बड़े बड़े जितने भी अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पे इस बड़े वाले स्टेज में आएंगे, और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े कलाकार वगैरह भी आएंगे, और सारा कुछ जो है अपना यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं। ये देखो स्टेज वगैरह जो है ये बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्टेज होता है, काफ़ी मतलब बहुत ही संख्या में जो है यहाँ पे लोग आनंद लेते हैं, बैठते हैं, और भाई बहुत ही मज़ा आता है। तो इस शो को भी जो है आप मिस मत करना, आप चाहो तो आ सकते हो शाम में भी आ सकते हो, या चाहो तो आप दोपहर में भी आ सकते हो, मिस नहीं करोगे। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप शाम में ही आना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देख लो बड़ा बड़ा LED वगैरह लग रहा है, एक लग चुका है यहाँ पे, बहुत ही मतलब अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो LED में भी आप आनंद उठा सकते हैं। ये देख लो भाई कैसे लोग काम कर रहे हैं अपना रिक्स लेकर के, हम लोगों के लिए यहाँ पे काम चल रहा है और हम लोग इसका जो है आनंद उठाने वाले हैं। बाकी मैंने आपको ये बिलियन इंप्रेशन वाला जो है आपको वीडियो मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पर जब लाइट्स वगैरह जलते हैं, देखो जो लाइट वगैरह लगा हुआ है यहाँ देख सकते हो, तो और भी ये कमाल का लगता है। यानी कि कल का रात जो है, परसों का रात को बहुत ही कमाल करने वाला है, बहुत ही मस्त लगेगा देखने में, और भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा ये देखने में, काफ़ी सुंदर लगेगा। और रांची का एक नया पहचान इसको मिल चुका है, जो कि आप जानते हैं बिलियन इंप्रेशंस। यहाँ पे जो चिल्ड्रन पार्क था उसको भी हल्का सा कवर कर दिया गया है, बाकी कुछ कुछ है जहाँ पर बच्चे अभी भी इंजॉय कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर भी स्टेजेज वगैरह कुछ बन रहे हैं, स्टॉल वगैरह शायद बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये बांस से बना हुआ, पत्तों से बना हुआ चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरह से सारा कुछ आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो तैयारी चल रहा है, लोग बना रहे हैं, तो ये कल से आपको सेल के लिए भी जो है रेडी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ इधर है, ये आपका मेन स्टेज यहाँ पे पीछे से, बाकी कुछ इधर झलकियाँ आप देख सकते हैं जिसमें हम लोग कुछ कुछ सामान वगैरह सब्जी वगैरह रखते हैं, बाकी ये है, तो आप सारा कुछ यहाँ पे बनावट देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का लग रहा है देखने में। और अंदर साइड अगर आप देखें, इधर है अंदर साइड कुछ कुछ हल्के यहाँ पे है कि पहले कैसे घर हुआ करता था, वो सारा कुछ है। बाकी झारखंड सरकार का लोगो वगैरह देख सकते हैं, और ये कैसे झारखंडी का पहनावा होता है, थाली वाली वो सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, भाई लोग तैयारी भी कर रहे हैं, और सब कुछ यहाँ पे देखने में बहुत ही कमाल का है भाई साहब, मतलब मज़ा आ जाएगा यहाँ पे जब आओगे, एक से एक चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये ढोल नगाड़ा वगैरह भी है यहाँ पे,
और जो ग्राउंड है वो पूरा चटाई से इसको कवर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का लगने वाला है। हम लोग सिंगल चटाई ये लेते होंगे, ये देख सकते हैं ये खजूर का होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कमाल का ये डेकोरेशन यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे देखो, एक रूम में मैं यहाँ पे घुसा हूँ तो सारा चटाई का बनाया हुआ है, सोफ़ा, यहाँ पे टेबल है ना। बाकी ये देख सकते हैं झारखंड का नक्शा है, ये कुछ कुछ है, पौधे वगैरह लगाए गए हैं, और यहाँ पे एक वॉशरूम भी है, जो ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी ये थोड़ा पेड़ पौधा लगाया गया है, और यहाँ पे कुछ कलाकृति, भाई सब मतलब बहुत ही कमाल का लग रहा है। इस टाइप का डिज़ाइन ना बहुत ही मस्त लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इस टाइप से देख सकते हैं ये स्टेज होने वाला है, और ये तैयार हो रहा है, और माइक चेक वगैरह कर रहे हैं, और बाकी जो पब्लिक है उधर वहाँ पर बैठने वाली है। जो भी अधिकारी लोग होंगे वो यहीं से आएंगे, या हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे यहीं से आएंगे, और यहाँ से एंटर करेंगे, इनके लिए अलग होगा ताकि कोई उनको दिक्कत ना हो, है ना, और यहीं से फिर रिटर्न चले जाते हैं। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता होगा, इधर से आएंगे हम लोग, इधर से आएंगे, इधर कहीं से भी आप आ सकते हैं। घुसते ही आपको राइट साइड एक यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे ढेर सारे स्टॉल्स वगैरह जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, और ये लगभग तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से तैयारी अभी जो है वो चल रहा है। ये देख सकते हो ये चरखा है, और ये सारा कुछ डेमोंस्ट्रेशन जो है वो कल आपको दिखाया जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ आपको विभिन्न प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई जाएंगे, जिसको आप ख़रीद भी सकते हैं, या कुछ झारखंडियों के बारे में आप सीख सकते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, झारखंडी किस तरह से रहते हैं, किस तरह से जीते हैं, वो सारा कुछ आपको चीज़ें जो है यहाँ पे अनुभव करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिल जाता है, वाइट बोर्ड, जिसमें आप अपना सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं, और अपना मतलब एक तरह से कहो अटेंडेंस बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भाग लिया। सो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने सारा अपडेट आपको दे दिया। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अपडेट रखूँ और आप भी अपडेट रहें और मज़े ले सकें ऐसे चीज़ों का।